अवध दर्शन पाप त्रैताप नाशन, अवध दर्शन पाप त्रैताप नाशन। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम राम। आज मैं कन्हैया कैसेट झांसी के माध्यम से रघुकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम पावन जन्म स्थली अयोध्या दर्शन की कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं दो भागों में आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप सभी अपने मन को एकाग्रचित करके आत्मभाव से लीजिए सुनिए श्री अयोध्या दर्शन भाग एक। लिखा है मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, के बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो प्रथम महीसुर चलना, मोह जनित संशय सब हरना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि बंदौ राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। देखिए बंधु, तुलसीदास जी वंदना करते हैं कि बंदो अवध पुरी अति पावन, सरयू सर कली कलुष नसावन। बंदो राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। आज मैं आपको लिए चलता हूँ श्री अयोध्या दर्शन के लिए। देखिए अपने आर्यावर्त में, भारत वर्ष में यह पुण्य भूमि कैसी भूमि है कि धन्य धर्म भूमि कर्म भूमि राम जन्म भूमि, और पुरातन पवित्र कीर्ति तीर्थ अतुलनीय है, और परंपरा विशेष देश भारत की सर्वश्रेष्ठ, के गरिमा विशाल यशोगान अकथनीय है। मणिगिरि अनूप कूप मंदिर तड़ाग रम, और सरयू प्रवाह को प्रभाव दर्शनीय है। सुकोटिन कलेश कटे भजन राम नाम रटे, सुधन्य अवध धाम धरा विश्व वंदनीय है। धन अवध धाम धरा विश्व वंदनीय है। जो पावन धरा सारे संसार में वंदन करने योग्य है, यहाँ जो अयोध्या में मैया सरयू के दर्शन करने से जो पुण्य लाभ मिलता है, सरयू तट पर स्नान करने से हमें हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जब हम अयोध्या जाते हैं, पहले हम सरयू मैया में स्नान करते हैं।
अपने आप को कृतार्थ करते हैं। हमारे बड़े भाग धन हैं जो सरयू मैया में हम स्नान करते हैं, क्योंकि लिखा है पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कि सरयू नाम सुमंगल मूडा लोक वेद मत मंजुल पूला। नदी पुनीत सुमानत नंदिनी कलिमल हंतरु मूल निकंदनी कलिमल त्रण तरु मूल निकंदनी। यहां उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के समीप ही पतित पावनी सरयू मैया के किनारे श्री अयोध्या धाम स्थित है। आइए सबसे पहले जब हम अयोध्या दर्शन के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले सरयू मैया का दर्शन करके स्नान करके उनकी आरती वंदन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं कि जय सरयू सरिता मैया जय सरयू सरिता रोग शोक भय नाशिनी रोग शोक भय नाशिनी जल निर्मल चरिता ओम जय सरयू सरिता। महातप ब्रह्मा सृष्टि के रचिता मैया सृष्टि के रचिता विष्णु नेत्र से प्रगटी विष्णु नेत्र से प्रगटी भक्तन मन मुदिता ओम जय सरयू सरिता। बंधुओं जो सरयू मैया में हम स्नान करते हैं, देखिए सरयू मैया इस पृथ्वी पर इस भूमि पर कैसे आई के अबध भूमि पर आई हे वशिष्ठ तनुजा मैया हे वशिष्ठ तनुजा इक्ष्वाकु मन आनंद इक्ष्वाकु मन आनंद अतिशय सुख उपजा ओम जय सरयू सरिता। श्रोता बंधुओं जब हम अयोध्या धाम की तीर्थ यात्रा को जाते हैं और जब सरयू मैया के तट पर हम स्नान करते हैं तो देखिए क्या होता है कि सरयू नहाए पुण्य फल सर्वदा मोक्ष प्रदा मैया सर्वदा मोक्ष प्रदा ओ भजन करत नित बंदन भजन करत नित बंदन मिटत सकल विपदा ओम जय सरयू सरिता।
जय सरयू सरिता, मैया जय सरयू सरिता, मैया जय सरयू सरिता। रोग शोक भय नाशिनी, रोग शोक भय नाशिनी, जल निर्मल चरिता, ओम जय सरयू सरिता। जब ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन कर रहे थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या की पावन परम भूमि को निर्मित किया था। तदंतर बेवत्स मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अयोध्या पुरानी राजधानी थी राजा इक्ष्वाकु की। अयोध्या में कोई नदी ना होने के कारण राजा इक्ष्वाकु के कहने पर गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मा द्वारा संचित मान सरोवर से सरयू मैया को इस भूतल पर जन कल्याण हितार्थ लाए हुए थे। संसार के कल्याण के लिए, संसार के पापों को धोने के लिए सरयू मैया को यहाँ पृथ्वी पर लाया गया। हम जब अयोध्या धाम में सरयू की पावन धारा में स्नान करते हैं, तो स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, उन पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कत्रविध ताप त्रासक तिमु भानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अयोध्या में पावन स्थल जो सरयू मैया वहां बह रही, सरयू के तट पर वहां जो घाट बने हुए, उन घाटों का भी मैं संक्षेप में कुछ बयान कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। वैसे अयोध्या की महिमा अमित है, अयोध्या की महिमा को शेष और शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो थोड़ा सा आपके समक्ष अयोध्या के दर्शन करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। उत्तर दिश सरयू बहे निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। यहां अयोध्या में उत्तर दिशा में सरयू का प्रवाह हो रहा है। क्यों के ब्रह्म विष्णु हरि निर्मला पावन गोला घाट, और राम कलायम स्थला सरयू रूप विराट। यहां मैया सरयू का विराट रूप हमें देखने को मिलता है अयोध्या में। जब हम सरयू मैया के घाट पर स्नान करते हैं, अब वहां देखिए आप सरयू मैया पर अनेकों घाट निर्मित हैं, अनेकों घाट बने हैं, जैसे कौशल्या, सुमित्रा, केकई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, नांगेश्वर, दिव्यकला, प्रहलाद, राम की पौड़ी, रणमोचन आदि अनेकों नामों के राजघाट यात्रियों की व्यवस्था हेतु निर्मित किए गए। यहाँ देश विदेश के यात्री सरयू मैया में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। क्यों कि यहां लिखा है स्कंद पुराण,
कि मनवंतर सहस्त्रेस्तु काशी बासेन यत् फलम् तत् फलम् संवाप्नोति सरयू दर्शनम् कृते। सरयू मैया के दर्शन करने का पुण्य लाभ 100 यज्ञों से भी ऊंचा हमें फल देने वाला होता है। जब हम अयोध्या धाम में सरयू मैया में स्नान करने के पश्चात जब अयोध्या दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें एक भव्य एवं रमणीक स्थान मिलता है जिसे तुलसी उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा विराजमान है, अतः इस स्थल को तुलसी स्मारक भी कहते हैं। जो दर्शनीय है, पूजनीय है, पवित्र है, और इसी अयोध्या की अनुपम धर्म धरा पर रामचरितमानस जो हम और आप आज पढ़ते हैं सुनते हैं, यह श्री रामचरितमानस का शुभारंभ यही अयोध्या धाम से ही हुआ है। जैसा कि पूज्यपाद प्रवर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संबत सो रहे 131 ओ करऊ कथा हरिपद धरिसीसा। यहां की अयोध्या से तुलसीदास जी ने राम कथा श्री रामचरितमानस की शुरुआत की, जो संवत 1631 में भगवान की गाथा लिखने का उन्होंने प्रयास यहीं से किया है। क्यों कि नौमी भौम बार मधुमासा अवध प्रिय यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत सो रहे 131 करऊ कथा हरि पद धर सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जो चैत्र का महीना था, नवमी का दिन था, मंगलवार का दिन था, अयोध्यापुरी में भगवान राम का चरित्र लिखना प्रारंभ किया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जो आज हमारे आपके समक्ष रामायण है, तुलसीकृत रामायण, जिसे हम और आप आज घर घर में पढ़ते, वह घर भी धन्य होता है जहां रामायण होती। क्यों कि लिखा है कवि ने, कवि की कल्पना देखिए आप बंधुओं, कितनी अच्छी कल्पना है कि धन्य वह घर ही है मंदिर, धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण। आप कहता है भक्त कि इस संसार में वह घर भी मंदिर के समान है जहां भगवान राम का चरित्र गाया जाता है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी रामायण पढ़ी जाती है, वह घर मंदिर के समान होता है। कहा है बंधुओं यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी।
संसार में रामायण जो ग्रंथ है, देखिए अब क्या है, कल्पना करता है भक्त, सोचता है कि यही रामायण तो सब कुछ है। क्यों? यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी। ऐसा क्यों? इसलिए कि महापतितों से पतितों के, महापतितों से पतितों के भी पाप धोती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। आप इसलिए कहा है कि यही है संतों की महिमा और यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। रामायण और रामायण मैया, देखिए आप क्या है, यही है संतों की महिमा, यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। क्यों? कि मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। भक्त यह सोचता है, यह कामना करता है कि वह घर जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामायण जिस घर में होती हो, वह घर मंदिर से भी बढ़कर स्थान है। जब हम अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ इस मार्ग में हमें पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान मिलता है। जब यहां से आगे हम चलते हैं तो देखिए कहां पहुंचते हैं, महावीर बिनवउ हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। हम श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए जब अयोध्या में जाते हैं, हमें पवन पुत्र अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन अयोध्या भूमि पर होते हैं। और कैसे होते हैं कि जिन हनुमान ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया है, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन हमें अयोध्या भूमि पर होते हैं। क्यों? कहा है कि सुमरि पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। पवन सुत पावन नाम तुमर, पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। अयोध्या में रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में एवं सरयू पुल से 2 किलोमीटर दक्षिण में ठीक अयोध्या नगर के मध्य श्री हनुमान किला स्थापित है, जो हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। यहाँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की अलौकिक झांकी प्रस्तुत की गई है अयोध्या में।
के बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बंधुओं, जब हम अयोध्या की पावन भूमि में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शनों के लिए हनुमानगढ़ी जाते हैं, हनुमानगढ़ी देखिए कितनी सुंदर है। कि श्री राम गरीब निवाजा है, हनुमत कलयुग के राजा है, हनुमत कलयुग के राजा है। उस स्थान पर देखिए आप, स्थान की सुंदरता देखिए, कैसा स्थान है हनुमानगढ़ी का अयोध्या में। रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। यहां संत हजारों वास किए, यहां संत हजारों वास किए, श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए। यहां हमें हजारों संतों के दर्शन होते हैं। जब हम हनुमान जी के चरणों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अनेक संत महात्मा वहां हमें मिलते हैं, जिनके दर्शन हमें सुलभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जिनके हमें अयोध्या में दर्शन हो जाते हैं। बंधु, प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, जब हम हनुमंत लाल जी के दर्शन करने जाते हैं क्या देखते हैं? प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। यहां देखिए आप, नित भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा, मनवांछित फल मुक्ति मेवा। हमें क्या मिलता है? जो अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते, मनवांछित फल हमें प्राप्त होता है और हमें वहां से मुक्ति का मार्ग सुलभ होता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। बंधुओं, नित भजन होत साधु सेवा, मनवांछित फल मुक्ति मेवा। लगी राम चरित की अमृत झड़ी, जहां सब मिलने वाले भगवान राम राम कहते हो, राम के नाम की अमृत वर्षा वहां हो रही है उनके स्थान पर। लगी राम चरित की अमृत झड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। देखिए बंधुओं, जब हनुमान जी के स्थान पर जाते हैं तो हमें याद आता है
कि आज भी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ऐसे दर्शन होते हैं उनके, ऐसे लगते हैं कैसे। यदि अब भी कोई जूझे रण में, हनुमान जी की मूर्ति देखिए अब कैसी लगती है वहां अयोध्या में। यदि अब भी कोई जूझे रण में तो लंका सी फूंक देंगे क्षण में, लंका सी फूंक देंगे क्षण में। पहरे पर मूर्ति महान खड़ी, पहरे पर मूर्ति महान खड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। हनुमान गढ़ी के विशाल काय मंदिर के अंतर्गत श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से बड़े बड़े भजनानंदी साधु संत महात्मा सन्यासी बैरागी उदासी विद्वान संगीतज्ञ पहलवान मानस प्रवक्ता सिद्ध योगी जन वहां वास करते, जिसे मैया जनक नंदिनी जानकी जी का वरद हस्त आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए अब कैसे प्राप्त है। जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी लंका में गए थे, यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी पूजनी बाबा लिखते कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओहो हुतात बलशील निधाना। माँ जानकी जी ने अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज से कह दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, रहूं बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण, अजर अमर गुण, अजर अमर गुण निधि सुत हो, रही बहुत रघुनायक छो। हनुमान गढ़ी से जब हम और आगे को दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं, कहां जाते हैं, कनक भवन में दर्शनों के लिए हम जाते हैं। इस राजभवन को महारानी केकई ने श्री जानकी जी को मुंह दिखावे में दिया था। यह श्री राम जानकी का महल है, जो बहुत ही सुंदर एवं दर्शनीय स्थल है, जिसे हम और आप कनक भवन के नाम से जानते हैं। मंदिर के शिलालेख के अनुसार द्वापर के आरंभ में महाराज कुश ने एवं द्वापर के मध्य महाराज ऋषभदेव ने इस राजभवन का संस्करण करवाया था। तत्पश्चात देखिए अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण एवं महारानी रुक्मणी जी ने मंदिर का पुनरोद्धार कराया एवं महाराज समुद्रगुप्त ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। श्री महाराज विक्रमादित्य ने कनक भवन सहित अयोध्या के 260 मंदिरों का कायाकल्प भी करवाया। यहां तक जब यवनों का शासन काल आया तो यवन काल में इस मंदिर को कनक भवन को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके पश्चात देखिए आप, तब ओरछा नरेश जो टीकमगढ़ की रानी वृषभान कुंवर ने इस मंदिर को कनक भवन का स्वरूप प्रदान कर श्री राम जानकी जी की प्रतिमा स्थापित कराई थी एवं तब से आज टीकमगढ़ स्टेट की ओर से क्रमानुगत कनक भवन संचालित है। कहा है कि जब हम और आप कनक भवन में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं कि कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन। कैसे,
प्रांगण विशाल संत सेवा सुखकारी, प्रांगण विशाल संत सेवा सुखकारी, सुंदरता प्यारी बगीची फुलवारी, सुंदरता प्यारी बगीची फुलवारी। देखिए आप, जब हम और आप कनक भवन में भगवान राम जानकी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कनक भवन के दर्शन देखो आप कैसे हैं। शीतल सुगंध मंद, शीतल सुगंध मंद बहबे पवन, करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन। देखो आप, जिस समय कनक भवन के दर्शन करने हम यात्रीगण सब जाते हैं अयोध्यापुरी में, टीकमगढ़ राजा प्रताप सिंह ज्ञानी और धन्य धन्य विदुषी प्रसभान कुंवर रानी, उन रानी के लिए धन्य है, उन राजा के लिए धन्य है। के सफल कीनो जीवन, सफल कीनो जीवन, अयोध्या गवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन। आज भी बंधुओं, जहां हम कनक भवन में दर्शनों को जाते हैं, कनक भवन के ऊपरी भाग में आज भी भगवान का पलंग पड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री राम विश्राम करते हैं कनक भवन में। जैसे देखिए आप कैसे, सोने के सुंदर रुच मंदिर बनवायो, सोने को सुंदर रुच मंदिर बनवायो, राम सिया जी को स्थापन करायो, राम सिया जी को स्थापन करायो, अरे भजन हो बे बंदन, भजन हो बे बंदन और पूजन हवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन। कनक भवन इस तरह से बनाया गया है कि भगवान राम का वहां स्नानागार, शयन करने का स्थान, भगवान के बैठने का स्थान, उनका सिंहासन वहां, कनक भवन की यह भव्यता है, यह सुंदरता है कि भगवान राम कहां स्नान करते हैं, कहां बैठते हैं, कहां भोजन करते हैं, कहां विश्राम करते हैं, कहां अपना श्रृंगार करते हैं, यह कनक भवन में आज भी प्रमाणित है। इसीलिए कहा है बंधुओं कि कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन। कनक भवन करो दर्शन अति पावन, कनक भवन करो दर्शन अति पावन। जब हम और आप तीर्थ यात्रा करने अयोध्या धाम जाते हैं, अयोध्यापुरी जाते हैं, तो वहां हमें कनक भवन के बाद जब हम दर्शनों के लिए जाते हैं, वैसे तो अनेक स्थान हमें मिलते हैं, लेकिन वहां देखिए श्री राम जन्मभूमि का दर्शन हम और आप करने के लिए जाते हैं। राम जन्मभूमि का दर्शन हम जब करते हैं, जैसा कि यहाँ पूज्यपाद प्रवर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता,
यहाँ वर्णित है श्री रामचरितमानस में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म होता है अयोध्यापुरी में, पावनपुरी अयोध्या में। उस समय देखिए अब क्या होता है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक अधिरामा। देखिए आप, जब चैत्र के महीने में नौमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म इसी अयोध्यापुरी में हुआ, जिस अयोध्यापुरी की हम और आप गाथा श्रवण कर रहे हैं। वैसे बंधुओं, भगवान के अवतार के कारण तो अनेक। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिन्होंने अवतरित होकर पृथ्वी पर असुरों के अत्याचारों का नाश किया, यहां पावन परम पुण्य भूमि अयोध्या में प्रगटे, अयोध्या में अवतार लिया। किस कारण से? लिखा है पूज्यपाद प्रवर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सृष्टि के प्रारंभिक काल से वैवत्स मनु के पश्चात 62वीं पीढ़ी में महाराज रघु और रघु के दशरथ, दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र उत्पन्न हुए। इसी अवधि की परम पावन भूमि पर त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर श्री राम जी अवतरित हुए थे। वैसे श्री राम जन्मभूमि का इतिहास तो विशाल है और विख्यात, किंतु संक्षेप में यही कहता हूं। देखिए आप, कवि सोचता है कि जब हम अयोध्यापुरी जाते हैं, अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की, विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। बंदगी जो कर न सके तो, बंदगी जो कर न सके तो जिंदगी किस काम की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की। अयोध्या ने जो मैं अयोध्या दर्शन आपके समक्ष रख रहा हूं, आप श्रोता श्रवण कर रहे हैं, इस अयोध्या ने क्या क्या नहीं देखा, मैया सरयू ने क्या क्या समय नहीं देखा। कैसे? विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम, बंदगी जो कर न सके तो, बंदगी जो कर न सके तो जिंदगी किस काम की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की।
देखिए आप कैसे अयोध्या में यवन आक्रमण बहुत से झेले, जूझे संत गुरु ज्ञानी चेले। अयोध्या पर जब आक्रमण हुए, एक बार नहीं अनेकों बार आक्रमण हुए अयोध्या पर, यवन आक्रमण बहुत से झेले, तो जूझे संत गुरु ज्ञानी चेले। प्राणों की बाजी लगा के खेले, गुरु संत महात्मा ज्ञानी आदि पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी अयोध्यापुरी के बाद। यवन आक्रमण बहुत से झेले, जूझे संत गुरु और चेले, प्राणों की बाजी लगा के खेले। लेकिन जब समझ लिया कि अयोध्यापुरी हमारी पावनपुरी अयोध्या ऐसी है, जान दे दी जाने ना दी, जान दे दी। क्यों कही है, भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, तो जब जब भी इस भूमि पर आक्रमण हुए, अनाचार हुए, अत्याचार हुए, उन अत्याचारों को सहन करने के लिए संत गुरु ज्ञानी महात्मा इन सबने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यहां तक जान दे दी जाने ना दी, जान दे दी जाने ना दी। मर्यादा इस धाम की विश्व में विख्यात है, ये जन्मभूमि राम की। कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयश्च। अरे यह भगवान राम की जन्मभूमि है, और यह जन्मभूमि तो भगवान राम को गौलोक धाम में रहकर भी प्राणों से प्यारी है। क्यों, जान दे दी जाने ना दी, जान दे दी जाने ना दी। मर्यादा इस धाम की विश्व में विख्यात है, ये जन्मभूमि राम की। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि यह अयोध्यापुरी है, यह अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी पर अनेकों बार, आज से नहीं अनंत काल से, अयोध्यापुरी पर लाखों बार आक्रमण हो चुके, लेकिन अयोध्या जिस तरह पूज्य थी उसी तरह पूज्य है, परम पूज्य है, जो भगवान राम की जन्मस्थली है। क्यों, बंदगी जो कर न सके तो, बंदगी जो कर न सके तो जिंदगी किस काम की। विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम की, विश्व में विख्यात है ये जन्मभूमि राम।